हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप चीज़ एंड क्रीमी मैक्रोनी। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 2 टमाटर, 2 रेड चिलीज और गार्लिक। यहाँ पे हम टोमेटो और ड्राई रेड चिलीज का पेस्ट रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसे हम ग्राइंडर में रख लेंगे और उसे एक फाइन क्रीम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो क्रीम है वो भी रेडी हो चुका है। तो इसे मैं एक कप में निकाल ले रही हूँ। क्रीम बिल्कुल ही स्मूथ होनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं 1/2 कप जो है क्रीम हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्रीम और टोमेटो प्यूरी है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमें लेंगे एक सॉस पैन, उसमें वाटर डालेंगे। हमें यहाँ पे बॉईल करना है मैक्रोनी को। तो इसमें वाटर में हम डाल रहे हैं सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। देन यहाँ पे हम ऐड करेंगे मैक्रोनी को। यहाँ पे आप मैक्रोनी की जगह पास्ता भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कप वाटर निकालेंगे हम आगे सॉस बनाने के लिए। देन यहाँ पे हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट है वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे है अमूल बटर, अमूल चीज़, मैगी मसाला, चिली फ्लेक्स, कटे हुए अनियंस, गार्लिक, टमाटो प्यूरी, क्रीम एंड वाटर। तो ये देखिए, हमारा मैक्रोन भी बॉयल हो चुका है। यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देन उसके बाद इसमें ऐड करेंगे गार्लिक एंड अनियंस। इसे हमें सॉटे करना है जब तक हमारे जो अनियंस है वो लाइट पिंक कलर के नहीं हो जाते। ये देखिए, हमारे अनियंस लाइट पिंक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी टमाटो प्यूरी जो हम लोगों ने रेडी किया था। उसे भी हमें कुक करना है जब तक इसके जो वाटर है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखिए, हमारा जो टोमेटो प्यूरी है वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। यहाँ पर अच्छे से डाल के इसे करना है मिक्स। यहाँ पर ऐड करना है हमें 1 कप वाटर जो हम लोगों ने निकाला था मैक्रोनी से। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कूटी हुई काली मिर्च और उसे अच्छे से करना है मिक्स। यहाँ पे हम डालेंगे क्रीम और उसे करेंगे मिक्स। देन यहाँ पे ऐड करेंगे हम 1 कप मिल्क और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। देन यहाँ पे मेरे पास और भी क्रीम बची हुई थी, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को कुक करना है इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मैक्रोनी जो हमने बॉईल किया था, उसमें जो एक थोड़ा सा वाटर है उसके साथ ही हम मैक्रोनी को ऐड कर देंगे सॉस में और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देन इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि इसका एक्सेस जो वाटर है वो निकल ना जाए। देन उसके बाद इसमें देखिए आप बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ रहा है। तो इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। देन उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट स्टेज पे चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोग अमूल का चीज़ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम चीज़ के साथ 1 क्यूब बटर का भी डालेंगे और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे चीज़ की कमी लगी तो मैं यहाँ पे एक और स्लाइस चीज़ की डाल दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैगी मसाला का। देन 1 मिनट कुक करने के बाद हमारा जो चीज़ मैक्रोनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट टाइप। तो यहाँ पे चलते हम सर्विंग की तरफ। तो यहाँ ले रही हूँ एक सर्विंग प्लेट और इसे कर देंगे सर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।